है। अगर आपके घर में आग लग जाती है तो इन डोर्स में बिल्कुल आग नहीं लग सकती। दीमक फ्री होने वाले हैं दोस्तों, इको फ्रेंडली डोर्स होने वाले हैं। और दोस्तों इन डोर के अंदर 12 लॉक होते हैं। अगर चोर चोरी करने आता है तो डोर का लॉक नहीं तोड़ सकता, भले ही काट के ले जाए, पर ये डोर नहीं तोड़ सकता। दोस्तों आज हमारे साथ है यहाँ पे सर, यहाँ पे प्राइम गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, और आज हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है बड़ी बड़ी मशीनों से, और कैसे काम होता है, और कैसे आप सर के साथ यहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ, अब देखते हैं क्या क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कंपनी है प्राइम गोल्ड चीफ इंडिया कंपनी, इसमें यहाँ पे हम दरवाजे और खिड़कियां बनाते हैं स्टील के, एमएस स्टील होता है ये। ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस है। सीट होती है हमारी ये पास्को कंपनी की, जीपीएस की सीट बोलते हैं पास्को कंपनी की। ये देखिए क्वाइल फॉर्म में आती है, ठीक है। इससे आगे हम क्वाइलर से हम इसको कटिंग पे लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब सर यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस में इस कॉलर को यहाँ पे आगे प्रोसेस में लेके जाते हैं। इस आगे प्रोसेस, तो ये फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है? ये कटिंग होती है, साइज की कटिंग होती है, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटिक क्वाइलर है, जो साइज हम काटना चाहेंगे उतना ही कटेगा इसमें। इसके बाद हम इसको मोल्डिंग मशीन में लेके जाते हैं। हमारी चौकट जो होती है वो डिजाइनर होती है, इसके अंदर 4 इंच की मोल्डिंग होती है, जो आज किसी भी चौकट कंपनी की किसी भी ब्रांड की नहीं है। तो सर जिस हिसाब से डिजाइन देना है उस हिसाब से मोल्डिंग होती है, मोल्डिंग हो जाती है। ये देखिए, ये हमारी ना मोल्ड हो गई है, इसमें हम 4 इंच की मोल्डिंग कर देते हैं चौखट के अंदर। ये दीवार के ऊपर चढ़ जाता है ये हिस्सा, हमें दोबारा और एक्स्ट्रा मोल्डिंग लगाने की जरूरत नहीं होती, हमारा एक चौखट के अंदर एडवांटेज है ये। इसके बाद हम इसको बेंडिंग करते हैं। ये हमारा सारा CNC प्रोसेस होता है, कहीं भी मैनुअल नहीं है। ये बेंड हो रही है अपने आप, साइज फीड कर दिया, साइज फीड होने के बाद में अपने आप बेंड करेगी, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा। बैंड होने के बाद में यहाँ पे फास्टनर के लिए होल निकालते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली ऐसे होता है। चौखट में हमारे 6 फास्टनर लगते हैं, 3 इस साइड में 3 इस साइड, दोनों बाजू पे 3-3 फास्टनर निकालते हैं। इसके बाद में हम इसको इम्पोज करते हैं। हो गए, ठीक है। प्राइम गोल्ड का नाम जो है इसके ऊपर हम इम्पोज कर देते हैं। तो सर ऐसा भी होता है किसी को अपने ब्रांड का करवाना है? किसी ब्रांड का नहीं करते हम, सिर्फ प्राइम गोल्ड अपने ब्रांड का करते हैं ना। प्राइम गोल्ड, ठीक है। इसके बाद में ये वेल्डिंग के लिए जाएगी। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा सर? ये जोड़ने का काम होगा, वेल्डिंग होगी। ये हम इसमें मिक वेल्डिंग यूज करते हैं।
अच्छा, मतलब जो उसके सारे पार्ट्स होते हैं? हाँ, वो असेंबल किए जाते हैं, सारे जो कॉर्नर्स होने उनको जोड़े जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। जोड़ने के बाद में थोड़ी अच्छा इस टाइप से कर दिया जाता है, वेल्डिंग कर देंगे इनको इस तरह से, सारा कोने को वेल्डिंग कर देंगे। तो अभी जो हमने वहाँ पे किया वो था, वो एक बार टांका लगा के उसको असेंबल कर दिया, जोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद फाइनल यहाँ पे जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है पूरा। इसको बोलते हैं पक्का करना है, इसको फाइनल कर दिया। फाइनल का मतलब ये वेल्डिंग पूरा भर दिया हमने, जो वेल्डिंग का कट था ये, इसको मैंने पूरा वेल्डिंग भर दिया। हाँ। पूरा भरने के बाद में हम इसको सरफेस को बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं ग्राइंडिंग से, ठीक है। ये अभी ग्राइंडिंग कर रहा है इसमें, ये बराबर हो जाएगा फिर। ज्वाइंट को बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं, कोई भी। अच्छा, ये थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये करके दिखाया, ये शाइनिंग हो गया, शाइनिंग हो गया और निशान खत्म हो गया हमने। वेल्डिंग के जो निशान है उभरे हुए, ऊपर उभरे हुए निशान है, वो खत्म कर दिया हमने, फिनिश कर दिया। जो यहाँ से वेल्डिंग करा था, हाँ जी, वो हट गया निशान, वो हट गया निशान। अब इस पाउडर कोटिंग में लेके, हमारा पाउडर कोटिंग प्लांट है यहाँ पे, पाउडर कोटिंग होने के बाद में ओवन में डाल देते हैं। अच्छा, ये ओवन है? हाँ, ये ओवन है। इसमें हम 220 डिग्री तक इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से पाउडर मेल्ट हो जाता है, ठीक है। पाउडर की लाइफ कंपनियां 20 साल दी जाती हैं, 20 साल तक हमारा पेंट खराब नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, ये पाउडर को हमारा पूरा, ठीक है। होने के बाद में यहाँ पे असेंबल किया जाता है डोर को, ठीक है। ये असेंबल यूनिट है यहाँ पे, अच्छा ये लगेगा अलग अलग से पार्ट इसके होते हैं। दो पार्ट है, ये दो पल्ले का डोर है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट में ये लोग ज्यादा चलते नहीं, इसमें एल्ट्रो भी चलती है। ये स्कूलों के उड़ीसा का ऑर्डर है हमारे पास, उड़ीसा गवर्नमेंट का, वो सिंबल चलते हैं उसमें। डोर के ऊपर हमें प्रोटेक्शन टेप लगाते हैं, टेप लगाने के बाद में बबल रोल करते हैं, बबल रोल के बाद में हम ये पैकिंग करते हैं वुडन की, ताकि हमारा प्रोडक्ट अगले के घर तक जाए तो खराब ना हो। डिस्पैच के लिए रेडी है, गाड़ी जा रही है ट्रांसपोर्टिंग माल छोड़ के। कहाँ जा रहा है माल सर? ये उड़ीसा जा रहा है। अच्छा, उड़ीसा माल जाता है, मतलब हर कंट्री, मतलब हर स्टेट में माल जाता है, देखो लिखा भी उड़ीसा। हाँ जी, अंदर। अच्छा, वुडन में जाता है ना पूरा? हाँ, कहीं बाहर जाता है? बाहर जाता है, वुडन में जाता है। ठीक, ये उड़ीसा का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है,
और ये यूपी का है बरेली। ये हमारा यूरोपियन स्टाइल डोर है, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। ये हमारा अंदर बाहर दोनों तरफ कहीं भी किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे ये दरवाजे हैं, ये हमारे सारे वुडन फिनिशिंग है। फील आप वुड का कर रहे हो लेकिन है स्टील डोर ये सब। ठीक है, हमारे इसके दरवाजों की मोटाई जो है वो 70 mm मोटी होती है। पल्ले की थिकनेस जो है, देखिए आप अंदर आइए, ये पल्ले की थिकनेस जो है 70 mm की होती है हमारी। ठीक है, इसके अंदर हमारे ये बोथ साइड सेम डिजाइन होता है सब में। अच्छा, इस साइड भी सेम डिजाइन है। हाँ जी, और एक बार सर आप अंदर चलेंगे, ये देखिए इस तरफ से भी आपको बिल्कुल सेम डिजाइन दिखेगा। और बाकी सर लॉक्स की बात है, इसकी बात है तो हमारे 12 lock निकलते हैं। ओके, 4 ये हो गए। अच्छा, ये हो गए 4, ये हो गए। हाँ जी, तो 6, 2 यहाँ पे, 8, 2 ऊपर है, 2 नीचे है। अच्छा, 2 इधर हो गए सर। हाँ जी, ओके, 2 नीचे बॉटम में हो गए। ये देखिए बॉटम है इसका, 2 बॉटम में हो गए। एक सेकंड, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। लॉक्स मिलेंगे, 2 ऊपर हो गए, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे 4 हो गए आपके, 2 यहाँ पे हो गया। टोटल यहाँ पे आपको 12 lock मिलेंगे। जैसे सर ने आपको यहाँ पे वारंटी गारंटी दे रखी है कि भाई कोई तोड़ के नहीं ले जा सकता, भले ही काट के ले जाए। सिक्योरिटी डोर इसको इसलिए बोलते हैं कि हमारा दरवाजा तोड़ के ले जा नहीं ले जा सकता, काट के ले जा सकता है चोर, इसीलिए हम इसको सिक्योरिटी डोर बोलते हैं। ये लग नहीं रहा कि मेटल डोर है। हाँ जी, और ये जो सर काफी अलग सा लगा हुआ है आपके पास, ये हिंजेज है हमारे, ये हिंजेज जैसे कार के कब्जे होते हैं इसके अंदर चले जाते हैं, बाहर कोई कब्जा दिखाई नहीं देगा। ये विंडो डोर है सिक्योरिटी विजन से, जब हम घर के अंदर होते हैं तो ये बाहर का दरवाजा जाली लगी होती है। अच्छा, ठीक है, ये देखो जब हम किसी को जवाब देना जवाब देंगे हम इसको खिड़की को बंद कर देते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी पर्पज से। अच्छा, फीमेल्स के लिए ना। हाँ जी, फीमेल्स के लिए घर में कर ले होते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी डोर की ये पूरी एक ही सीट है मेटल। ओके, ठीक है, ये देखिए खिड़की है, ये पूरी एक सीट है। अच्छा, इसमें भी पूरी एक ही सीट है, बस अंदर से डिजाइन काटा, अंदर से खिड़की लगाई हुई, अंदर से मेटल काट के किया, बाहर से ऐसे तोड़ने का काटने का काट सकता है, तोड़ नहीं सकता इसको कहीं भी, क्योंकि हमारी ना पूरी सीट लगी होती है इसके अंदर। हमारा CNC कटिंग डोर है बाहर आउटर के लिए, मेन डोर के लिए। इसके पीछे हमने ये डोर लगा दिया। अच्छा, ये डबल डोर है ना, डबल डोर हो गया। ठीक, ये सब यहाँ पे भी लगा रखा है देखने के लिए। हाँ, ये देखने के लिए अंदर से भी देख सकते हो आप, बाहर कौन आया है इसको देख सकते हो। ये हमारी 2 mm की सीट होती है, बहुत मोटी सीट होती है, 14 gauge जैसे बोलते हैं। ये हमारा डिजिटल लॉक लग जाता है। ओ, ये वाला लॉक लगाने का सिस्टम है आपके पास। हाँ जी, ये हम फिंगरप्रिंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ओ, एक तो फिंगरप्रिंट वाला फिंगरप्रिंट हो गया, इसमें बटन भी हो गए। अच्छा, एक आप नंबर वाला लॉक लगा सकते हो, ये इसके अंदर ही है, इंक्लूड है। ठीक है, नंबर वाला लॉक है, फिंगरप्रिंट है, और इसमें की भी है। ओके, की का भी ऑप्शन दिया है इसी के अंदर, इसी के अंदर की भी है। ओके, तीनों ऑप्शन है सर यहाँ पे। ये कैमरा है, ये देखिए आप, कैमरा भी है। हाँ जी, इसमें कैमरा लगा सकते हैं। तो ये कैमरे का यूज क्या रहेगा? कैमरे का यूज ये है कि जैसे कोई बाहर से व्यक्ति है, ये देखिए बाहर बैठे दिखाई देते। अच्छा, ये देख सकते हो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं कस्टमर्स वगैरह, वो आपको यहीं से दिखाई दे जाएंगे। ठीक, और बेल बजाएगा तो इसमें बेल भी आ जाएगी, और ये कैमरा में आप देख सकते हो बाहर कौन है। अच्छा, जो कोई बेल बजाएगा तो इसमें दिखेगा, है ना? इसी के अंदर बेल है, इसी में बेल भी है, इसी कैमरे के अंदर बेल है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब एक ये देखिए, ये बेल है, ये बेल का बटन है। ओके, यहाँ पे बटन है बेल दबाने का। ठीक है, तो बहुत काफी। ठीक है, ये अंदर की बहन है, ये कैमरा, और ये एडिशनल है, ये हमारे हर दरवाजे में लग सकता है। अच्छा, ये अपने हिसाब से कस्टमर लगवा सकते हैं, कस्टमर लगवाना चाहे लगवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सभी दरवाजों के अंदर हमारे ये लग सकते हैं। हमारे डिस्प्ले है जो हम डीलर के स्पोर्टिंग के लिए भेजते हैं, जहाँ भी हमारा डीलर होता है, बनता है, नया बनता है, उसके पास हम 15 दिन 20 दिन 25 दिन के हिसाब से हम भेज देते हैं। इसकी हम कोई कॉस्ट नहीं लेते, डीलर अपना एक आदमी देगा, वो अब उसके विजिटिंग कार्ड देगा, उसके शहर में पूरी हम करेंगे, मार्केटिंग करवा देंगे।
इसी तरह से हमारा ये पूरा का पूरा डिस्प्ले बनाया हुआ है। अच्छा, पूरा इधर चारों तरफ यहाँ पे विंडो वगैरह सब दिखा रखी है ना जी, अंदर बाहर से दोनों तरफ से, क्योंकि हमारे दरवाजे जो है ना बोथ साइड सेम डिजाइन होता है तो हमें दोनों तरफ से दिखाना जरूरी होता है। अच्छा, ये सारा एडवांटेज है, ये हमने इसमें एडवांटेज लिखी हुई है। पूरा लॉक्स वगैरह सब इसके साथ यहाँ पे दिखा सकते हैं ना? हाँ जी, सब दिखा सकते हैं। और ये डेस्क भी दिया बैठने के लिए? हाँ, ये डेस्क भी दिया बैठने के लिए, आराम से बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर दिखा सकते हैं। जो प्रोडक्ट वहाँ बनकर तैयार हो जाता है वेयर हाउस में भेज देते हैं, डिस्पैच के लिए यहाँ से रेडी हो जाएगा सब। ये पूरा डिस्पैच का माल है? सारा डिस्पैच का माल है, डिस्पैच होने। ठीक है, इसके आगे सर? इसके आगे आइए, मैं थोड़ी विंडो दिखाता हूँ। और सर ये क्या है? ये हमारा सेल्स ऑफिस है जो B2C में काम करता है। ठीक है, प्राइम गोल्ड कंपनी का नाम है दोस्तों। ये नहीं, ये हमारी 3 टैंक विंडो जो आपने देखी थी बनते हुए, ये पेंट होने पर ये दो पल्ले ग्लास के होते हैं, उसमें जाली के होते हैं। दो पल्ले ग्लास के और एक ये जाली का, दोनों को कोई भी तरफ से उठा सकते हो। ठीक है, इसको ले लो, इधर ले लो, मतलब अपनी मर्जी जाली वाला करो या उसके बाद। इसी में हमारे पास, इसी में एक प्रोडक्ट होता है 2 ट्रैक में, ये 2 ट्रैक है, इसमें दो पल्ले ग्लास के होते हैं और पीछे ये फोल्डिंग मैश होती है, उसमें एक पल्ला वैसे एसएस का था, इसमें फोल्डिंग मैश होती है, जो फोल्ड हो गए सारी इस तरफ चली जाएगी। ये सेम मैचिंग का डोर है ना? हाँ जी, ये सेम मैचिंग का डोर। ये आपने वहाँ पे भी दिखाया था? हाँ जी, जाली वाला। हाँ जी। ये सर अभी कौन कौन से साइज हमने दिखाए यहाँ पे? ये 7x3, 7.5x3, 7x4, 7x5, 8x5, अपने हिसाब से जो बनवाना है वो बनवा सकते हैं ना? कुछ साइज हमारे बने बनाए होते हैं, कुछ हम बना भी देते हैं, बनाने पड़ते हैं ना, बड़े बड़े डिजाइन तो बनाने पड़ते होंगे। कुछ हम स्टैंडर्ड साइज के बने, ये हमारे कैसुअल विंडो, ये देखो ये सिंपल वन। हाँ जी, ठीक है। ये हमारा एक बालकनी में लगती है, पल्ले आगे। अच्छा, इसकी क्वालिटी देख सकते हो आप मेरे। हाँ, और बहुत हैवी क्वालिटी है इसकी। ये देखो थोड़ा सा ऐसे करके कीजिएगा आप 2 मिनट, ये देखो 1 मिनट मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से। ये देख सकते हो मोटाई भी कितनी बढ़िया है इसकी। इसका आउटर सेक्शन देखिए कितना मोटा है। हाँ जी, 5 इंच का मोटा है। नाइस, ठीक है। ये बहुत हैवी विंडो है हमारी, बहुत अच्छी चलती है, ये बिल्कुल स्मूथ है। इनकी भी सर वारंटी उतनी है? हाँ, वारंटी सभी 5 साल की देते हैं। अगर किसी को आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं? और जैसे कई लोग नए हैं इस बिजनेस में, उनको जानकारी चाहिए कि कैसे काम करना है, तो वो कैसे कौन बताता है? हमारा B2B और B2C दोनों सेक्शन में काम होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे डीलर होते हैं वो जो हमारे पास से किसी भी स्टेट से इंक्वायरी आते हैं उसमें वो डीलर होता है, डीलर को देते हैं, नहीं तो हमारी एक टीम है वो हमें उस टीम को दे देते हैं, वो टीम उसको हैंडल करते हैं और सामान उसका प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचा देते हैं। सर अगर कोई आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, उसको इस बिजनेस के बारे में जानना है, वहाँ पे सेटअप करना है, तो कौन बताएगा उसको, क्योंकि ट्रेनिंग भी चाहिए उसको? हमारे पास ट्रेनिंग देने के लिए भी है और हमारी सेल्स टीम है, जो सेल्स मैनेजर है, सेल्स टीम है पूरी, वो अपना अपने हिसाब से काम करती है। सर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या एरिया, कितने लोग? 1500 स्क्वायर फीट का चाहिए डिस्प्ले के लिए। ठीक है, हमारे 15 से 20 प्रोडक्ट है सारे, 20 प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए चाहिए 1500 से 1500 स्क्वायर फीट की जगह। 500-200 गज, लगभग 2000-2500 स्क्वायर फीट जगह चाहिए स्टोरेज के लिए। ठीक है, और मतलब उसे 15 से 20 लाख रुपए में हमारा बिजनेस शुरू हो सकता है। और उसे किस टाइप के लोग रखने पड़ेंगे और कितने लोग रखने पड़ेंगे मिनिमम? मिनिमम 3 से 4 लोग रखने पड़ेंगे एक बार शुरुआत में। तो जैसे कारपेंटर हो गए, क्या क्या रखना पड़ेगा? एक कारपेंटर रखना पड़ेगा जो फिटिंग के लिए जाएगा। ठीक है, कारपेंटर जरूरी है, 2 सेल्स टीम चाहिए, एक आजकल फेसबुक पे, इंडिया मार्ट पे, गूगल पे, इनसे मार्केटिंग करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप सो आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और सारे सवाल जवाब नहीं मिले हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर चल रहा होगा और डिस्प्ले पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप सर को कंपनी पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल करके सेल्स की सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों फिर से मिलेंगे अपनी सी, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।